अंजलि का नमस्कार। यस्टरडे न्यूज़ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रियली शॉक्ड एवरीवन, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ही ट्वीटेड ऑन द ट्विटर अबाउट हिम। ही वॉज जस्ट 34। सो प्लीज कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, जिसको भी आप अपना बहुत करीबी समझते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात करिए, अपने आप को लोनली मत छोड़िए। और सो गाइस, इसीलिए मेरा आज का टॉपिक जो है मैं वो डिप्रेशन के ऊपर करने जा रही हूँ, और ये अलग अलग तरह के डिप्रेशन हैं। सो फॉर 3 days आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस। सो टुडे टॉपिक आई एम टेकिंग फॉर मेल एंड फीमेल्स, लाइक हम लोग जो हैं उनके ऊपर मैं इसको डिस्कस करूँगी। सो लेट्स टुडे डिस्कस अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली में 4-5 लोग हैं, उनमें से एक जो है वो बिल्कुल अपना अलग से बैठने लग जाते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, या फ्रेंड्स का है ग्रुप में घूम रहे हैं उनमें वो देखते हैं कि एक फ्रेंड कहेगा नहीं आई डोंट वांट टू कम टुडे, और या आपके रिलेटिव्स हैं आप उनमें भी देखते हो कि वैसे तो आप उनसे डेली बात कर रहे हो लेकिन एकदम से वो कहेंगे नहीं आज मन नहीं है, या उनका फ़ोन आना बंद हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड मूड स्विंग्स। तो ये अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप ये मूड स्विंग्स देख रहे हैं, हो सकता है ये आपके साथ खुद के साथ भी हो रहा हो, तो आप अपने कोई लव्ड वंस हैं उनसे क्लोज जो हैं आपके बहुत उनसे बात करिए जरूर, या आप दिल में आपके किसी फ्रेंड के साथ हो रहा है तो ये मत करिए कि उसको इग्नोर करिए, नहीं नहीं इसका तो मूड ही नहीं है छोड़ो इसको, नहीं आपको उससे बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। मे बी वो घर में ना बात करके आपसे बात कर लें, तो वो फ्रेंडशिप में कई बार ये होता है कि लोग घर में नहीं कम्फर्टेबल फील करते, वो आपसे बात कर लें, ऐसे ही अपने रिलेटिव्स के साथ करिए। तो मतलब हमें उनको अकेला नहीं छोड़ देना है, हमें उसके रूट कॉज तक जाना है और हमें पता लगाना है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और क्या होता है कि कई बार आपको जो ना आपके पास सब कुछ है, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप फैमिली के बीच में भी बैठ रहे हैं, चाहे घूमने भी गए हुए हैं, और चाहे जो आपने अचीव करना है आपने अचीव भी कर लिया, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं, अंदर से खालीपन लगता है, एम्प्टीनेस लगती है, तो वो भी आप समझ लीजिए कि वो आपका थोड़ा थोड़ा जो साइन है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और एक होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। क्या होता है कि कई बार जैसे आप तो वैसे 7 घंटे सोते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आपको नींद आनी बंद, आपको रात को लगता है कि ब्लैंक हो गया माइंड, आप सो नहीं पा रहे हैं, या कई बार आप सुबह उठने को मन नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, दोपहर को भी आप सो रहे हैं और आपको फटीग लग रहा है, तो ये भी जो साइन है ये भी साइन ये है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका भी अच्छा कई बार क्या होता है जैसे कि आप बैठे हो, बैठे बैठे आपका दिल करता है कि आप रोते ही जाओ, आप किसी से बात नहीं करो, बिल्कुल अकेले फील कर रहे होते हो, या फिर हेडेक्स हो रही हैं आपको, फटीग फील हो रहा है, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता नहीं नहीं किसी से मैं बात ना करूँ, तो ये भी जो साइंस है ना ये भी डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा मेल मेंबर्स में क्या होता है कि कई बार हम नोटिस करते हैं कि जैसे काम से घर आए हैं तो मतलब जैसे शाउटिंग एट किड्स, इरिटेट हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ऑफिस में या फैक्ट्री जिस काम पे जाते हैं वहाँ पे लेबर के ऊपर वो चिल्ला रहे हैं, मतलब वो इरिटेट से हमें लगता है जो कि पहले वो नहीं थे, तो वो भी जो है इसका मतलब है कि मेल मेंबर जो है वो भी जो है इसका मतलब डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मैं कुछ इसके डिप्रेशन के आपको कॉजेज के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री से भी ये डिप्रेशन आ जाता है, तो इसके लिए तो सबसे पहले यही है कि आपको ये चेक रखना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में है तो किसी को घर में अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका मतलब कि वो वहाँ से भी आ रहा है, तो इसके लिए तो आपको बहुत जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा फिर कई बार क्या होता है कि बचपन में चाइल्डहुड में कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो गई किसी के साथ, या कोई चाइल्ड अब्यूज, या कोई मिस हैपनिंग इसका लव्ड वन चला गया, तो वो भी चीज़ें जो होती हैं ना वो कई बार दिमाग में बैठ जाती हैं, और वो भी जो है बड़े होकर कई बार वो इंसान सोच में पड़ जाता है और वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। अच्छा कई बार क्या होता है कि किसी को बहुत पुरानी बीमारी है, या कोई बेड पे एकदम से पड़ा हुआ है, या नींद नहीं आ रही है, वो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, तो वो इंसान जब मोबाइल नहीं रहता है वो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और अकेले अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा फिर फाइनेंशियली भी अगर साउंड नहीं होते तो कई बार वो भी जो मेल मेंबर है या फीमेल भी इवन कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे करेंगे, बच्चों को ग्रो कैसे करेंगे, तो वो भी एक कई बार बहुत मेन रीज़न हो जाता है डिप्रेशन का। अच्छा फिर एक टॉपिक है कि जैसे ड्रग्स, कई लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल के बहुत ज़्यादा आदि होते हैं, तो उससे भी उनकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे लेथार्जिक हो जाती है, उनको ड्रग्स नहीं मिलती हैं या अल्कोहल नहीं मिलता उसमें डिप्रेशन में, या ज़्यादा भी ले लेते हैं तो वो लोग भी जो है काफ़ी प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन की तरफ जाने। अच्छा अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है और बॉडी में अगर डेफिशिएंसीज चल रही हैं, खासकर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो वो भी जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है।
सो और भी कई कॉजेज हो सकते हैं, मतलब मैंने आपसे मेन मेन कॉजेज डिस्कस किए हैं, तो आपको थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी की मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही, सेपरेशन हो गई, तो वो भी जो है वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। सो जैसे ही मैंने कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट पे जाइए अगर आपको डिप्रेशन है, और अगर आपके किसी और अपने को है आप देख रहे हैं, तो उनको साइकेट्रिस्ट पे जरूर लेके जाइए। ये जो टैबू है कि नहीं नहीं हमको पागल थोड़ी ना है कि हम साइकेट्रिस्ट पर जाएँ, ये गलत है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जिस इंसान को डिप्रेशन हुआ होता है वो जाने को राज़ी नहीं होता है, लेकिन आपने प्यार से समझाना है, आपने उनको जरूर साइकेट्रिस्ट पर लेकर जाना है। और अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो फिर उसको इग्नोर करेंगे तो उसके साथ फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कई बार उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, अच्छा घर पर वो बैठे हुए हैं, या तो ज़्यादा खाते जाएंगे वेट गेन हो जाएगा, या खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है, सो वेट लॉस उनका हो जाता है। लास्ट ऑफ ऑल आई विल से कि अगर ये और एक्यूट होता जाता है तो वो अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, और फिर वो जो है उस काइंड रिजल्ट सुसाइड भी हो सकता है। सो गाइस प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। आपके किसी को भी है ये, तो प्लीज़ उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाइए, उनको मेडिसिन दिलवाइए, उनका ध्यान रखिए, उनको प्यार से इस चीज़ को डील करिए, और आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे और कोई ऐसा अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ इज़ रियली प्रेशियस, हमें इसको इन्जॉय करना चाहिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।